ओके, एससीबी वन चैप्टर फोर फोर्सेस एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 12। ओके, क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 12, ओनली 12 क्वेश्चंस आर देयर। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 1। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ 1 kg ड्यू टू सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू दिस मच, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला ये होता है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11 ऐसा यूनिट होती है। एफ दिया है, जी की वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी, आर इट विल बी गिवन, है ना। मासेस दिए हैं, मासेस को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया आर, पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्विंग डायरेक्ट क्वेश्चन बेस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स विद विच यू अट्रैक्ट द अर्थ, तो इट इज़ इक्वल टू द फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट्स टू मी। तो एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, हमारा मास हमने 670 लिया, 9.8 जी की वैल्यू ली, दिस मच इट कम्स, मल्टीप्लाई दिस मच न्यूटन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द टू चार्जेस ईच इक्वल टू 1 coulomb बी प्लेस सो दैट फोर्स बिटवीन दैम इज इक्वल टू योर वेट। अगेन जो वेट मैंने निकाला वो वैल्यू पुट कर दी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो ऊपर फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो के 9 × 10^9 होता है, क्यू वन क्यू टू 1 coulomb दिया है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो वी गेट द दिस मेनी किलोमीटर्स। 1 coulomb चार्ज इज़ वेरी बिग चार्ज, है ना, कीपिंग द दिस मच डिस्टेंस अपार्ट, देन ऑल्सो दे आर एबल टू अप्लाई द फोर्स इक्वल टू माई वेट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 स्फेरिकल बॉडीज ईच ऑफ मास दिस मच प्लेस एट दिस सेपरेशन, ठीक है, ईच चार्ज, ओके, मास इतना है, सेपरेशन इतना है, इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन द बॉडीज एंड एट बॉडीज एंड इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलॉम रिपल्शन इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन आइदर बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कूलॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलॉम फोर्स, तो ये ग्रेविटेशन का फार्मूला है, ये कूलॉम का, इसमें वैल्यू पुट कर दो कॉन्स्टेंट की, ये है, मासेस दिया है 50-50, डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा ऐसे, कैलकुलेशंस। नाउ मंकी सिटिंग ऑन द ट्री लिम्ब, द लिम्ब एग्जर्ट द नॉर्मल फोर्स ऑफ दिस मच एंड फ्रिक्शन दिस मच, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय द, देखो नॉर्मल फोर्स इधर होगा और फ्रिक्शन दिस साइड और अदर साइड, है ना, तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स 90 degree पर रहते हैं ऑलवेज, अगर सपोज लिम्ब इंक्लाइंड है थोड़ी ऐसे तो नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगा, फ्रिक्शन ऐसे है तो टेंडिंग टू, तो इस तरह से फ्रिक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल, तो दोनों 90 degree पे रहने वाले हैं इन एनी केस, तो वेक्टर लॉ से ऐड हो जाएंगे 52 newton। क्वेश्चन नंबर 6, बॉडी बिल्डर्स एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ दिस मच न्यूटन अगेंस्ट ए बुल वर्कर एंड कंप्रेसेस इट, ये स्प्रिंग समझ लो लाइक दिस, ठीक है, स्प्रिंग होती, कॉम्प्रेस 20 cm किया उसने, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है, के द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज द चेंज इन द लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो 20 कॉम्प्रेस किया तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो इट इज़ इक्वल टू 750 ऐसा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस, वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन में ऑन द अर्थ सरफेस रेडियस दिए, तो ये होता है हाइट पर, हाइट पर जो है एक्सलेशन इस फार्मूले से चेंज होता है, जी सरफेस पर है ये, तो सरफेस का आधा है, हाफ जी, आप जी जी, जी कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, √2 − 1 विल बी 0.414 और आर की वैल्यू दिए पुट कर दो, इतनी हाइट पर जाने से
एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ द वाट इज एट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये ग्रेविटेशन के क्वेश्चन है, यू विल बी डूइंग इट अगेन। इफ यू डोंट फॉलो नाउ डोंट वरी, ग्रेविटेशन में फिर से रिपीट है ये सब। टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस एट द सेपरेशन 20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट 20 न्यूटन ऑफ कूलम फोर्स ऑन ईच अदर, वाट विल बी द फोर्स ऑफ इफ सेपरेशन इज इंक्रीज टू द 25। पहले 20 था तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो एफ वन है तो नीचे आर वन का स्क्वायर, एफ टू है तो ऊपर, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, क्लोज टू 13 न्यूटन आ जाएगा। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है सर, डाटा दिए हुए हैं, ये मासेस दिए हैं, जी की वैल्यू दी है, डिस्टेंस दिया है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला ये है, नाइन्थ में भी ये हम लोग पढ़ते हैं। जी की वैल्यू पुट कर दी, मास ऑफ द मून पुट किया, मास ऑफ द अर्थ पुट किया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून पुट कर दिया, तो इट कम्स दिस मच। ऑलराइट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। तो देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट की, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर और ये नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी टर्म बचेंगे देखो Q1 Q2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो चार्ज अंदर प्रोटॉन इतना होता है तो इसको स्क्वायर करके लिखा मैंने, मास इतना होता है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, आइडेंटिकल है ना। पावर सेपरेट लिखी और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर दी, पावर का स्क्वायर करके लिखा। ठीक है, तो ये वैल्यूज लिख दी, सॉल्व करेंगे तो इट कम्स दिस मच। इनफैक्ट कैलकुलेशन ये रहना, देखो 36 आएगा जी, है ना, यहाँ पर चेक कर सकते, 36 आएगा। क्वाइट ए लार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलराइट, चलो फिर नेक्स्ट उस पर आते हैं। जस्ट ए मिनट, हाँ ठीक है, ये माइनस आएगा, इट विल बी राइट, इट इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस मच। कैलकुलेट द कूलम फोर्स, बाई कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगाया, के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस इतनी दी है, तो दिस मच आंसर इज कमिंग। नाउ व्हेन दिस गोज इन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एवरेज सेपरेशन फोर टाइम्स हो जाता है वहाँ पर, तो नीचे फोर का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो ये वैल्यू को 16 से डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड केस का फोर्स आ जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ फर्स्ट केस। ऑलराइट, डायरेक्ट क्वेश्चन हैं ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से रिपीट होते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर है, नो प्रॉब्लम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है ग्रेविटेशन का फिर से, एट डिस्टेंस दिस मच, फाइंड द वेट ऑफ दिस के जी इक्विपमेंट प्लेस ऑन द जियो स्टेशन सेटेलाइट। इतनी हाइट पर रहता है अर्थ सरफेस से, तो वहाँ पर जो इक्विपमेंट है इतनी के जी का, उसका वेट वहाँ पर जो जी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट पर जी निकाल लिया हाइट वाले फार्मूले से वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो वहाँ पर इतना आया, जी की वैल्यू 0.226 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। बस वेट इज़ वॉट mg, वेट इज़ नथिंग बट mg डैश लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देयरफोर वेट इज इक्वल टू mg डैश हमने निकाला है हाइट पर, तो दिस इज द आंसर, दिस मच ओनली। थैंक यू वेरी मच, विल बी नाउ नेक्स्ट चैप्टर विल बी द न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, विल कंटिन्यू विद दैट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग।